फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 10 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आया है। इसको हम ने ठीक करना है। ये और वोल्टेज की वजह से इसकी जो एसी साइड है वो जल गई है। ये डायोड जो है इसकी जल गई है, इसका मॉस्फेट जो है ये भी निकल गया है। इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये मॉस्फेट जो है वो ठीक है या नहीं। मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे रखना है। रेड प्रोब को जो है हम सोर्स पे रखेंगे। ये सोर्स पे रेड प्रोब और ब्लैक जो है ड्रेन पे, तो कंटिन्यू ठीक शो कर रहा है, ये ठीक साइन है। और ड्रेन और गेट के दरमियान कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो ये मॉस्फेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको हम दोबारा लगाएंगे। तो अब हम चेक करेंगे डायोड्स को जो कि जल गए हैं। लग ही रहा है कि वो जल गए, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि ये देखिए 00 कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि तो ये जल गया है। दूसरा भी जो है चेक करेंगे हम, जो प्रिंटेड साइड है उस पर हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे और दूसरा जो रेड प्रोब है उसको हम ब्लैक वाली साइड पे रखेंगे। ये देखिए ये रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन ये रीडिंग जो है गलत है। 0.5 इस तरह रीडिंग शो करनी चाहिए इस डायोड को। तो ये जो है हम निकालेंगे, ये ठीक नहीं है। ये रजिस्टर है, ये देखिए ये कंटिन्यू शो कर रही है, ठीक है बिल्कुल। हाँ, ये जीनर डायोड है जो कि 0.7 बिल्कुल ठीक रीडिंग दिखा रहा है, ये भी ठीक है। तो हम ये वाले डायोड दूसरे सर्किट से निकालेंगे और उसमें लगाएंगे। तो हम डायोड जो है लगा रहे हैं। वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड दूंगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ये डायोड को मैंने निकाल लिया है। तो सारे डायोड जो है वो मैंने निकाल दिए हैं चारों। इसकी जगह अब हम नए जो डायोड है जो हमने दूसरी सर्किट से निकाले थे वो हम लगाएंगे एक एक करके। हम सर्किट पे निशान बने होते हैं बिल्कुल उसी तरह जो प्रिंटेड साइड है वो, उसके मुताबिक आपने उसको लगाने, गलत लगाएंगे तो सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा। डायोड हमने लगा दिए, लेकिन अब इसको हमने सोल्डर भी करना है पिछली साइड से। डायोड को सोल्डर करने के बाद हम FET को लगाएंगे। बिल्कुल इसकी जो है 3 पिने हैं, उसके मुताबिक आपने इसको लगाना है और पिछली साइड से हम इसको सोल्डर करेंगे। सोल्डर आपने अच्छी तरह से करना है ताकि इसके साथ जो हीट सिंक है वो भी सोल्डर हो जाए और बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो जाए। दोस्तों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये आपके लिए ही बनाते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये जो है सोल्डर हो गया। अब यहाँ पे फ्यूज़ जो है वो भी जल गया है। इसकी जगह मैंने एक रेजिस्टर फ्यूज़ लगा दिया है पिछली साइड से। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए इसका LED ऑन हो गया है, ये बिल्कुल ठीक तरह से अब काम कर रहा है। मैं इसको देखिए स्विच निकाल के भी आपको चेक करवा देता हूँ। LED को आपने देखना है, ये LED देखें चल रही है ग्रीन LED। जैसे ही मैं स्विच निकालूंगा ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑफ हो गई। अब दोबारा मैं इसको लगाऊंगा, ये दोबारा ऑन हो गई है और जो पंखा जो है उसका फ़ैन जो है उसका चल रहा है, देख सकते हैं आप। अभी जो है फ़ैन रुकेगा।